फर्स्ट वीडियो में स्पेस कम होने की वजह से ये एमसीक्यूज आधा रह गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी तक हमने डिस्कस कर लिया था। ऑप्शन डी है इन नर्वस सिस्टम सेक्रेटरी केमिकल आर रिलीज इन ब्लड वाइल हार्मोनल सिस्टम सेक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स। देखो इस ऑप्शन में क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम में इधर केमिकल बताए जा रहे हैं, केमिकल आर रिलीज्ड, और हार्मोनल सिस्टम में सेक्रेटरी हार्मोनल सिस्टम में क्या कह रहा है, सेक्रेटरी केमिकल आर रिलीज्ड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो दोनों में केमिकल मैसेंजर्स नहीं होते, नर्वस सिस्टम में हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं। इसके बाद अगला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो ये रॉन्ग ऑप्शन था, हमसे पूछा गया था विच वन इज़ नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन एम्फीबियंस एंड फिशेस एंड बर्ड्स एंड मैमल एंड फिशेस। तो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पानी रीअब्ज़ॉर्ब होने के लिए, जहाँ पानी की रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होनी चाहिए, तो उनमें से हमारे पास बर्ड्स और मैमल वो हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ नॉट इनवॉलंटरी फंक्शन, ब्रीथिंग, पंपिंग, स्केलेटल मसल मूवमेंट एंड ब्लिंकिंग ऑफ आइज। सो द स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की ख़ास बात ही यही है कि ये वॉलंटरी होते हैं, हम अपने विल से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी चाहत से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीथिंग, पंपिंग ऑफ ब्लड और ब्लिंकिंग ऑफ आइज ये हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, सो इसमें स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाथवे ऑफ एनर्जी यूज बाय मसल कन्वर्टेड फ्रॉम फूड इज, ये पाथवे पूछ रहा है एनर्जी की जो कि मसल्स में होती है। तो फूड सबसे पहले हमें देखना होगा कि सबसे पहले फूड होना चाहिए, तो फूड है सब में, सारे ऑप्शन में फूड है। उसके बाद एटीपी बता रहा है, डायरेक्ट एटीपी तो नहीं आता ऑप्शन नंबर वन में, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, फूड के बाद डायरेक्ट ग्लाइकोजन भी नहीं बनता, फूड के बाद डायरेक्ट ग्लाइकोजन बनता है, उसके बाद एटीपी और क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ग्लाइकोजन के बाद हमारे पास बनना चाहिए क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, तो यहाँ एटीपी नहीं बनना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी सही है, फूड, उसके बाद ग्लाइकोजन, फिर क्रिएटिनाइन फॉस्फेट और उसके बाद एटीपी। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, डी को भी कंसिडर कर लेते हैं, फूड के बाद डायरेक्ट प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डैश विल बी ग्रेटर विद द फास्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन टू कंपनसेट एनर्जी रिक्वायरमेंट इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन। यही प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एन ऊपर दे दिया और एरोबिक नीचे दे दिया, असल में ये एन एरोबिक रिस्पायरेशन है लेकिन एन और एरोबिक अलग अलग दे दिया, तो इस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तो फॉर्मेशन ऑफ डैश विल बी ग्रेटर, क्या फॉर्म होगा ज़्यादा, जबकि फास्टर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन तेज़ी के साथ ब्रेक डाउन हो टू कंपनसेट एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंपनसेट करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए एनएरोबिक रिस्पायरेशन, तो एरोबिक नहीं है ये, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन जब भी होती है तो वहाँ हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और मसल को रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है।